हेलो बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस द यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर. दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटम इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अकॉर्डिंग टू द अर्लियर थ्योरीज यू विल बी नोइंग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम इट वॉज प्रपोज दैट एटम इज इंडिविजिबल. बट आफ्टर द रिसर्च वर्क ऑफ जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट, चैडविक एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स गोल्डफॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इट वॉज एस्टेब्लिश दैट एटम इज डिविजिबल एंड एटम इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन. देयर रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज, एक्चुअल मास आर, दीज वैल्यूज आर रिलेटिव मास 1/1836 फॉर प्रोटोन, 1 फॉर न्यूट्रॉन, 1 रिलेटिव चार्ज -1 फॉर प्रोटोन, 1 एंड 0 मास इन किलोग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन इज दिस, फॉर प्रोटोन एंड फॉर न्यूट्रॉन. एंड एक्चुअल चार्ज 1.6021 इंटू 10^-19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1.602 इंटू 10^-19 कूलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट फॉर न्यूट्रॉन इज 0. Now, I will give some important points. These important points are, number 1, the negatively charged material particles constituting the cathode rays are called electron. So what is the particle present in the cathode ray? That is electron. And second is, E by M ratio for cathode rays is independent of the nature of gas taken in the discharge tube. हम कोई भी गैस ले लें, हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, ऑक्सीजन ले लें, each time the particle present in cathode rays will be electron. E by M ratio for anode rays depends upon the nature of gas taken in the discharge tube. ठीक है, जैसे अगर हमने, but the E by M value is maximum for H plus. जब हम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं तो E by M ratio, तो हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी क्या रह गया? H plus. H plus क्या है? सिंगल प्रोटोन. ठीक है, तो E by M ratio for हाइड्रोजन for H plus is the maximum. जब हम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे, E by M ratio will be maximum. तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम में रह जाएगा एक प्रोटोन. क्लियर? Now we will discuss some atomic terms, and these atomic terms are number 1 is nucleons. What are the nucleons? Nucleons are the subatomic particles present in the nucleus, and that is neutron and proton. That subatomic particles are neutron and protons. Mass number is the sum of neutron and proton present in the nucleus. So neutrons plus protons. Atomic number is the nuclear charge, number of protons present in the nucleus. It is represented by the symbol Z. And mass number A symbol. Isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. For example, phosphorus 15, 31, 15, 32. Now, isobars. Isobars are the atoms of different elements having the same mass number but different atomic number. That is phosphorus 15, 32, sulfur 16, 32. Atomic number is different but mass number is same. Now, isoelectronic species. Isoelectronic species, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, the species, they can be atom, molecule or ion having the same number of electrons called as isoelectronic species. Now, I will give you examples. For example, N2COCN-. Okay, these are molecules and this is ion. Nitrogen 7+7, 14, 6 and 8, 14, 6, nitrogen 7, 1 electron isne gain kar liya, total 14. I will give you one more example, F minus, Mg2+, Al3+, and neon.
फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 10, मैग्नीशियम 12 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए 10, एल्यूमिनियम 13 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए 10 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन इज 10. तो इन ईच केस इलेक्ट्रॉन्स आर 10. ठीक है, दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. नाउ द लास्ट टर्म इज एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर इज 12. दिस इज एटॉमिक मास यूनिट. नाउ वी विल डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम कैसे पड़ा? दीज रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other and these two are perpendicular to the path of the propagation of radiations. Okay, these electromagnetic radiations travel in the form of wave and these all electromagnetic radiations have the same velocity and that is 3.0 × 10⁸ meter per second. And these radiation do not require any medium for propagation. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया these electromagnetic radiations have wave character, ये wave की form में travel करते हैं. तो these electromagnetic radiation travel in the form of wave. This is trough, this is crest and the distance between two neighboring crests or trough is called as wavelength and denoted by the symbol lambda. And the units to express wavelength we use centimeter, nanometer or meter. Centimeter, nanometer, meter or angstrom. These units we use. Okay, and the characteristics of the wave, what are the characteristics? Frequency, velocity, wavelength and number. To express any wave we use these four characteristics and these three are related as mu is equal to c over lambda and wave number is equal to reciprocal of wavelength. ठीक है, बाकी सबकी यूनिट्स भी आप छोटी क्लास में कर चुके हैं, उनकी यूनिट्स आप खुद करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल डू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. नाउ in the absorption spectrum what we do, we pass sunlight, white light, it is allowed to pass through the through some solution and the transmitted light then it is analyzed in the spectroscope. Dark lines are obtained on the photographic plate. To isme kya hota hai, jo white light hai pehle hum usko slit mein se pass karte hain. Slit mein pass karne ke liye single beam mein ye convert ho jayega. सिंगल बीम के जो हमें मिली है दैट इज अलाउड टू पास थ्रू. हमने इसमें एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड और फिर इसको प्रिज्म में से पास करते हैं ट्रांसमिटेड लाइट को, तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दो डार्क लाइन मिल रही है. तो क्या होता है, जो लाइट है उसके अंदर से कुछ वेवलेंथ वाले रेडिएशन जो सब्सटेंस हमने लिया है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइट है उसमें से ये दो जो लाइंस हैं ये मिसिंग है और ये जो मिसिंग लाइंस हैं ये हमें डार्क लाइन की फॉर्म में अपीयर होते हैं. अब ये डार्क लाइंस की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सट्रेट. अगर हम इसमें पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, कोई और सब्सट्रेट लेते हैं, तो ये जो वेवलेंथ है इन लाइंस की दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, तो ये डार्क लाइन दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स, वो एक जो सब्सट्रेट हमने लिया है उसकी नेचर के ऊपर वो डिपेंड करेगा. This is called as absorption spectrum. Now, next is emission spectrum. In this emission spectrum, sunlight, ठीक है, sunlight हम white light इसमें ले रहे हैं. It is allowed to pass through the slit, then it converts into single beam, then this beam is allowed to pass through the prism. ठीक है, तो what we get on photographic plate, we get 7 colored white band, जिसको भी Bjorn कहते हैं. This is also called as continuous spectrum. Why this is called as continuous spectrum?
because one color is merged into the next one, into the other color. कोई भी शार्प हमें बाउंड्री किसी भी कलर की दिखाई नहीं देती. सेवन कलर वाइट बैंड्स बस इसके अंदर दिखाई देते हैं. तो वायलेट कलर इंडिगो में मर्ज हो गया, इंडिगो ब्लू में मर्ज हो गया, लाइक दैट. जैसे रेनबो के अंदर दिखाई देता है, सारे कलर दिखाई देते हैं, बैंड से दिखाई देते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स. नाउ नंबर वन इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो अभी हमने इसमें डिस्कस किया है, एंड सेकेंड इज लाइन स्पेक्ट्रम. तो अब हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम. तो एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का है, एक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम. अब हम नेक्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन हम डिस्कस करेंगे. नाउ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटोमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द दिस डिस्चार्ज ट्यूब. लाइट इज एमिटेड एंड दिस लाइट एमिटेड लाइट देन पास थ्रू द स्लिट टू कन्वर्ट इन टू द सिंगल बीम. देन इट इज पास थ्रू द प्रिज्म एंड वी गेट शार्प कलर्ड लाइन्स having dark space in between them. Photographic plate के ऊपर हमें number of sharp lines मिलती हैं और visible region में तो हमें color lines भी दिखाई देती हैं, we can see, और इनके बीच में dark space है. ठीक है, तो इसके तो lines appear हो रही हैं. Therefore this is called as line spectrum of hydrogen. और atomic spectrum of इसको हम atomic spectrum भी बोलते हैं. और ये जो lines हैं, इन लाइन्स, दीज लाइन्स अपीयर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सम आर इन अल्ट्रावायलेट रीजन, सम आर इन विजिबल रीजन, एंड सम आर इन इंफ्रारेड रीजन. और जिन जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया, ठीक है, उनके नाम पर इन लाइनों का नाम भी दिया गया है. लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, पीफन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज. ठीक है, तो अभी मैं आपको इनके नाम और कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये लाई करती हैं, ठीक है, ये सारा मैं अभी बताऊंगी. और ईच लाइन हैज वेवलेंथ, ठीक है, एक डेफिनाइट वेवलेंथ है, एक फिक्स्ड वैल्यू है वेवलेंथ की. और हाउ दैट वेवलेंथ कैन बी डिटरमिंड, वो भी मैं अभी आपको फार्मूला देती हूँ. दैट कैन बी डिटरमिंड बाय द रिडबर्ग फार्मूला. ठीक है, तो अभी हम करते हैं कौन कौन से रीजन में ये हमें शार्प लाइंस दिखाई दी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, कौन से रीजन में दिखाई दी हैं, इनके नाम वो सारा हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अभी दिस सीरीज आर लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दैट लाई इन विजिबल रीजन, एंड दीज थ्री पाश्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ब्रैकेट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड पी फंड सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. दीज थ्री सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस लाई इन द इंफ्रारेड रीजन एंड द डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस ऑफ ऑल स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी गिवन बाय सिंगल फार्मूला. म्यू बार इज द वेव नंबर, लैम्डा इज द वेवलेंथ, म्यू बार इज इक्वल टू वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 over N1 square minus 1 over N2 square. And R is the Rydberg's constant. R is the Rydberg's constant. And the value of Rydberg's constant is 109678 centimeter inverse. Now I will give you the values of N1 and N2 for different series of spectral lines. For Lyman series, value of N1 is equal to 1 and N2 is equal to 2, 3, 4 and so on. For Balmer series, N1 is equal to 2 and value of N2 is equal to 3, 4, 5 and so on. For Pashan series, value of N1 is equal to 3 and value of N2 4, 5, 6 and so on. And for Brackett, N1 is equal to 4 and N2 is equal to 5, 6, 7. And for P-fund, N1 is equal to 5 and 2 is equal to 6, 7, 8.
नाउ बाय दिस फार्मूला रिडबर्ग की हमें वैल्यू पता है, N1 और N2 की वैल्यू लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज सबके लिए हमें मालूम है. वी कैन फाइंड वेव नंबर, वी कैन फाइंड वेव लेंथ. ठीक है, तो अभी हम लास्ट में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे. दिस फार्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे कि लिथियम 2+, Hg+, दीज आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे Li 2+ में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और Hg+ में भी 1 इलेक्ट्रॉन है. तो दिस फार्मूला, दिस रिडबर्ग फार्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज. नाउ वन मोर पॉइंट आई वांट टू गिव यू, व्हाट इज लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज वेयर N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी. जब हमें लिमिटिंग लाइन के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उसमें N2 की वैल्यू इंफिनिटी रखनी है. ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस रेडिएट एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स डिसकंटिन्यूअसली. ठीक है, तो ये जो एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, मतलब एमिट कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो डिसकंटिन्यूअसली करते हैं. ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. और वो जो पैकेट्स हैं वो क्या हैं, वो एनर्जी के पैकेट्स हैं. ठीक है, और ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं इनको बोलते हैं क्वांटम. तो दिस इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. आई विल गिव यू द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी. नाउ फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी इज, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वेव नेचर हमने इससे पहले डिस्कस की थी, और ये थ्योरी कह रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो का पार्टिकल नेचर है. ठीक है, और जो सब्सटेंसेस हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो एनर्जी एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. किसके हैं वो पैकेट, एनर्जी के. ठीक है, और ये जो पैकेट है दीज आर कॉल्ड एज क्वांटम. तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. नाउ ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं इनकी कितनी एनर्जी है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट पोस्टुलेट में करेंगे. सेकंड पोस्टुलेट, द एनर्जी ऑफ दीज पैकेट्स मींस एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ सनलाइट, सनलाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दैट एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन. Energy is proportional to frequency. E is equal to h mu. H is the proportionality constant. This is also called as Planck's constant. Planck's constant. And the value of Planck's constant is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joules second. The last postulate of this theory is the total amount of energy emitted or absorbed by a body is a whole number multiple of a quantum, that is h mu, 2h mu, 3h mu and so on, that is n h mu. Therefore, the energy is equal to n h mu, where the value of n is equal to 1, 2, 3 and so on. Now, next we will do photoelectric effect. Now, what is photoelectric effect? When radiations of certain frequency called as incident radiation is allowed to fall on the metal surface, electrons are ejected. ठीक है, तो जो radiations है वो कुछ energy लेके आ रहे हैं, और जब हम metal के ऊपर डालते हैं, जो metal के अंदर atoms हैं, ठीक है, उसमें से electron eject हो जाते हैं और वो electron इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स कि जो रेडिएशन हमने डाले हैं उनकी एनर्जी कितनी है. ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके और वो वहां से भाग जाता है. दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन वर ऑब्जर्व
वो ऑब्जर्वेशंस क्या है, जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, जो हम रेडिएशन मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशंस मेटल के ऊपर डाली गई और फिर देखा कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है और जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ इट इज इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन हम मेटल के ऊपर डाल रहे हैं। सेकेंड, मेटल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी मेटल ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कॉपर ले रहे हैं या गोल्ड ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं या सीजियम सोडियम, कोई भी मेटल हम ले रहे हैं, तो हर मेटल के लिए क्या एक ही टाइप के रेडिएशंस हम अप्लाई कर सकते हैं या हमें अलग अलग टाइप के रेडिएशन लेने हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले लेने हैं, कम फ्रिक्वेंसी वाले लेने हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हमने ऑब्जर्व की, ठीक है, और दीज ऑब्जर्वेशंस आर, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन द लाइट ऑफ सफिशियंट एनर्जी स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। तो जो भी हम रेडिएशंस डाल रहे हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, उनकी जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशन शुड बी एबल टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है, अगर वो फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए सफिशियंट है, देन ओनली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी, कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट करना है और वहां से हटाना है, उसको दूर भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हमने लिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो जाएगा पर वो मेटल सरफेस के ऊपर ही पड़ा रहेगा, मेटल फिर से उसको कैप्चर कर सकती है। तो हमें कुछ डिवाइसेस होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जिसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट को यूज किया जाता है डोर ओपनिंग वगैरह के लिए, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को हमें खाली मेटल के ऊपर नहीं पड़े रहने देना, उसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए आगे भेजना है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी जो रेडिएशन के कुछ पार्ट एनर्जी का वो हमें काइनेटिक एनर्जी में भी यूज करना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो एनर्जी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए इससे ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो जो रेडिएशन हमने डाले हैं सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है, तो पहले तो हमने रेडिएशन सेलेक्ट कर लिए नेचर ऑफ मेटल से कि कौन से रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, फिर सेम रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन बी इंक्रीज्ड। नाउ यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैंने फिर से ये डायग्राम बनाया, दिस इज मेटेलिक प्लेट और इंसिडेंट रेडिएशन हमने इसके ऊपर डाले हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनका पार्टिकल नेचर है, ठीक है, और पार्टिकल नेचर क्या है, उसके अंदर पैकेट्स हैं एनर्जी के, तो दिस इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इसके अंदर ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के जिनको बोलते हैं क्वांटा। तो जब हम रेडिएशंस मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं, ये रेडिएशंस अपने जो क्वांटा है, जो उनकी एनर्जी है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ये रेडिएट कर देते हैं, एमिट कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के ऊपर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो दैट एनर्जी इज एबल टू ब्रेक द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन वो फोर्सेस ब्रेक करके और वहां से वो इजेक्ट हो जाता है। तो अभी अभी हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर क्या किया था, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो एनर्जी एच म्यू लेकर आया और सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वो क्या है,
जो अभी अभी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन में बताया, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो दैट इज एच म्यू नॉट। तो एच म्यू का एच म्यू नॉट पार्ट इलेक्ट्रॉन के काम आ गया, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो किसमें चला गया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क पोटेंशियल, और कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सिंपल वे में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, दिस फार्मूला इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल। तो एच म्यू जो इंसिडेंट रेडिएशन प्लेट हमने मेटेलिक प्लेट के ऊपर डाले हैं, उसमें से कुछ पार्ट इजेक्शन के काम आ गया, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था वो काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के उसमें काम आ गया। तो इससे हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिटेक्टर से पता चल जाएगी, जो इंसिडेंट रेडिएशन डाले उसका हमें पता ही है कि कौन सी डाल रहे हैं, कितनी उसकी एनर्जी है, वी कैन डिटरमिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, नाउ वी विल डू वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 450 किलोजूल पर मोल, व्हाट शुड बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन। नाउ जो अभी अभी हमने फार्मूला किया था, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्केयर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे, तो वर्क फंक्शन भी यही है और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी यही है। तो वर्क फंक्शन वो हमें वैल्यू दे रहा है 450, और हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये डिटरमिन करनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच म्यू नॉट इज इक्वल टू 450 किलो जूल्स, तो ये पर मोल है। ठीक है, इसको पर एटम में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये किलोजूल पर एटम आ जाएगा, दिस विल बी किलोजूल पर एटम। ठीक है, अब एच की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपको दी थी मैंने, यू कैन फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यू विल डिटरमिन दिस, तो वेरी सिंपल। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में किसी में फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, किसी में इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी पूछ लेंगे, या फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, या काइनेटिक एनर्जी का पूछ लेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, और वी विल टेक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, किस तरीके का ग्राफ मिलेगा, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, एट दिस पॉइंट व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, दिस विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ से हम इस तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिटरमिन कर सकते हैं। नाउ इफ वी ड्रॉ द ग्राफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, दिस टाइप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम,
तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल इंक्रीज, ठीक है। और एक फोटोइलेक्ट्रिक सेल डिवाइस होता है जिसके अंदर फोटोइलेक्ट्रिक सेल को यूज करते हैं। तो अगर आपको दो मेटल्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है पोटेशियम और एक दिया हुआ है सीजियम, सीजियम इज द लास्ट एल्कली मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो आप दोनों मेटल में से किसको प्रेफर करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज करने के लिए, ठीक है, आंसर इज सीजियम। लोअर इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, मोर रेडिली इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, ठीक है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।